हेलो गाइस, वेलकम बैक। टुडे आई टीच ऑल ऑफ यू दैट्स मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7 चैप्टर 8.8 का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन है, चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन था। दूसरा बेटा, चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको ये दिया है बेटा। हमने लिखी है, माना कैल्शियम का प्रतिशत बराबर 10x, कार्बन का 3x और ऑक्सीजन का 12x। यदि हमने लिया क्या, कुल प्रतिशतता 100 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ करके क्या ऐड करने के बाद बराबर कर देंगे 100। ठीक है, फिर यहां से आप जोड़ेंगे बेटा तो आएगा 25x बराबर 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 4%। जब आप जोड़ेंगे तो 25 आया, तो x बराबर आप क्या करेंगे, यहां से जब निकालेंगे x का मान तो x बराबर हो जाएगा 100/25 बराबर 4%। x का मान आपको मिला 4%। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, कैल्शियम का। केवल आपको प्रश्न में तो कहा है कार्बन का ही, लेकिन हम सभी का निकाल दे रहे हैं। कैल्शियम का प्रतिशत बराबर 10x बराबर 10 × जो x की वैल्यू मान है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 40% 40% हो जाएगा। और ऐसे ही आप कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करेंगे 3x बराबर 3 × 4 बराबर 12%। और जब आप ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करेंगे बेटा तो 12x बराबर 12 × 4 बराबर 48%। तो इसमें आपको जो प्रश्न था कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना था तो ये हो जाएगा 12%। इसी में जो दूसरा प्रश्न है, चाक में कार्बन की मात्रा आपको दिया है 3 ग्राम। ठीक है, चाक का कुल भार आपको ज्ञात करना है। हमने क्या लिया, माना चाक का कुल भार बराबर x होगा। ठीक, यहाँ से 12% ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकाला है, कार्बन की जो प्रतिशतता है कितना है, 12% है। तो कार्बन का 12% का x, मतलब x का 12% निकालेंगे तो 12/100 × x बराबर 3। क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसको आप हटाएंगे, इसके प्लेस पे क्या आता है बेटा, 100 आता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो यहाँ से क्या फाइंड होगा आपको, 100 × 3 या 3 × 100 करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से x बराबर, यहाँ पे क्या है, गुणा में है। देखिए यहाँ पे भाग में था तो इस साइड गया, गुणा में हो गया। ये यहाँ पे क्या है, गुणा में है। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 100 × 3/12। क्या करिए आप, यहाँ 20 में गुणा है, 3 से काट दिए, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। आपको क्या मिलेगा, 100/4। जब 100 से आप भाग देंगे बेटा, 4 का 100 में भाग देंगे तो आएगा 25। तो चाक का कुल भार बराबर कितना हो जाएगा, 25 ग्राम। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे पहले यदि आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखने के बाद तुरंत सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।